की अवस्था प्रतिबिंब में देख रहे, यहां से माखन मिश्री लाला को लगी, दूसरी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को कहते हैं अरे तुम्हारे मुख में तो माखन है, उसको अंदर ले लो, वो तो प्रतिबिंब है, लाला नहीं जानते। अब आचार्य वर्णन करते हैं इस लीला को। फिर लाला सोचे ठीक है मैं सहायता करता हूं। उनको लगा कि वो जो लड़का है उसको दिख नहीं रहा कि कहां माखन लगी है, इसलिए वो साफ नहीं कर पा रहा। तो लाला अपने हाथों से साफ करने का प्रयास किया, हाथ में पूरा माखन, और प्रयास कर रहे हैं कि उस छवि में, उस प्रतिबिंब के मुख में जो माखन लगा है वो साफ करेंगे। हाथ में पूरा माखन, हाथ वाले माखन से स्तंभ पिलर में जो माखन है, ऐसे प्रतिबिंब में ऐसे कर रहे हैं, और हाथ का मुख का माखन हाथ में, हाथ का अब प्रतिबिंब में, वो ज्यादा बढ़ गया। अब लाला कहते हैं कैसे आया माखन, अरे साफ तो करो, देखो बढ़ गया तुम्हारे मुख में माखन। यशोदा रानी पर्दे के पीछे छिपकर सुन रही है इन बातों को और प्रार्थना करती है, हे महाविष्णु, हे नारायण, मेरे बच्चे के जीवन में जो भी प्रारब्ध है वो मेरे जीवन में डाल दो और मेरे बच्चे को चिरंजीवी बना दो।